अच्छा लग रहा है। और ये अभी तक हमारे स्कूल में पहली बार हुआ है ऐसा कि हमारे बच्चों का ड्राइंग और पेंटिंग एग्जीबिशन लगा है किसी बड़े स्टार बड़े फाइव स्टार होटल में, कोहिनूर कॉन्टिनेंटल होटल में। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारे बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर। और उसके लिए जो संस्कृति आर्ट है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बड़ी मेहनत हमारे बच्चों ने की है और बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग और पेंटिंग्स यहाँ पर लगाए हैं। उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि टैलेंट हमारे बच्चे में बहुत है, सिर्फ उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी। वो जगह वो प्लेटफॉर्म आज मिला है और हमारे बच्चों ने करके दिखाया है। और इसके लिए भी हमारे जो ड्राइंग सर है भागवत सर, उनका बहुत इनिशिएटिव रहा है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत इनक्रेज किया है और बच्चों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। और इस तरह का ये पहली बार एग्जीबिशन हुआ है हमारे बच्चों का। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके नाइन्थ तक जो स्टूडेंट ने जो पेंटिंग बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है। गणपति का पेंटिंग है, नेचर पेंटिंग है और क्रिएटिव आर्ट है, मंडला आर्ट है, बहुत ही अच्छा बनाया है बच्चों ने। फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी बच्चों ने जो कला दिखाई है, एयरपोर्ट स्कूल के बच्चे ने बहुत ही अच्छा दिखाई है उनको। मैं तो ये करता हूँ कि आप ऐसा माने कि आप जो है भविष्य के बहुत बड़ा कलाकार बनने वाले हैं आप। We are here in the Kohinoor and we are very, very happy to say that our children took part. You know they are from primary small children, but still they took part. This is the first opportunity we got for the exhibition. Really we are very happy and children still were very happy to exhibit their drawing. And really we like to have more and more like this exhibition for our children. Thanks for all the organizers, for our drawing sir, for our Bhagat sir and for each and everyone who are there in this. आप लोग सब जन आए, आप लोग सबकी पेंटिंग देखी जो हमने स्कूल से 500 या 600 किए हैं आफ्टर फ्रेमिंग एग्जीबिटिंग। आप इसके साथ 26 लड़कियों को भी सपोर्ट करोगे, वो 26 लड़कियों की पेंटिंग लास्ट में है। ये 26 लड़कियां जो संस्कृति आर्ट ने अडॉप्ट की हुई है, ये पेंटिंग मैंने अपने कला से बनाई है। पेंटिंग बनाने मुझे 3-4 दिन लगे। मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये ड्राइंग जो मैंने बनाया है पेंटिंग, वो मैंने 2 दिन लगाया करने में और मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना और सपोर्ट करते हैं कि करो करो, तो मैं मुझे अच्छा लगता तो मैं भी कर लेती हूँ। मैंने ये पेंटिंग जो बनाई है वो राधा कृष्णा के बेस पे बनाई है क्योंकि मुझे राधा कृष्णा बहुत पसंद है। एयरपोर्ट हाई स्कूल, ये जो मैंने गणपति पप्पा की पेंटिंग बनाई है वो मुझे बहुत पसंद है, गणपति पप्पा इसलिए बनाई है। और मैंने इसे एक रात में बनाई है क्योंकि मैंने जो पहले 2-3 पेंटिंग्स बनाए थे वो सिलेक्शन नहीं हुए थे। माय नेम इज़ अनुश्री नैन मौर्य, आई एम फ्रॉम एयरपोर्ट हाई स्कूल फ्रॉम 9th A एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव एग्जीबिशन इन कोहिनूर होटल एंड आई लव टू पेंट एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन दिस पेंटिंग। आई हैव पेंटेड दिस पेंटिंग, आई लव टू पेंट, आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, आई लव टू बी अर नेचर, दैट्स वाई जस्ट पेंटेड फ्लावर्स। एंड मैंने ये विलेज का ड्राइंग बनाया है क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन शहर में रहना पसंद करते हैं और मैं चाहता कि ये ड्राइंग देख कर लोग गाँव जाना भी पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो सिटी में पेड़ ही नहीं दिखते, गाँव में सब जगह पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खाली जगह पे पेड़ लगाएं और हमारी जगह को हरियाली। माई सेल्फ अनिरुद्ध जाना, आई एम द स्टूडेंट ऑफ एयरपोर्ट हाई स्कूल स्टडिंग इन 7th A। मैं स्टडिंग इन 7th A। मैंने ये सीनरी इसीलिए बनाया जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ जब बीच घूमने गया था। 4th के छोटे बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है और हमको अपॉर्चुनिटी देने वाले भागवत सर को बहुत थैंक यू बोलूँगी। हाँ, उनको भी धन्यवाद। और हमारे छोटे बच्चों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया इसके लिए कि कोहिनूर होटल में उनके आर्ट को एग्जीबिट किया गया। थैंक्स बोलूँगी मैं निम्बलकर सर को भी, हमारे मैडम सेकेंडरी के निम्बलकर सर, प्राइमरी के रेचल मैडम और ड्राइंग सर जो कि भार्गव सर है और साधना मिस है जो प्राइमरी की, उनको भी मैं शुक्रगुजार करूँगी क्योंकि 1st to 4th फिर 5th to 10th तक वहाँ उनके बच्चे इतने अच्छे अच्छे ड्राइंग्स करते जो कि आगे जाके वो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। और सर ने जो ये बोला था कि कोहिनूर होटल में साइंस ड्राइंग एग्जीबिशन होने वाला है,
तभी मेरे दिमाग में कुछ आ रहा नहीं था कि क्या बनाओ क्या बनाओ। फिर ऐसे में दिमाग में आया कि बर्ड्स बनाते, इसलिए जब भी सर्च की तो ये मक्या हुआ है, इसलिए मैंने ये बनाया। सीनरी ड्राइंग बनाया, ये मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ करके बनाया सीनरी पेंटिंग। इसे बनाने में मेरे भागवत सर ने मेरे को आइडिया दिया, ऐसा ऐसा आप करो,